Hey guys, welcome back to my channel. So first of all, I'm so sorry guys because मैंने challenge complete नहीं किया because of काम अचानक से आ गया घर पर, फिर तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी, so that's why मैंने continue नहीं रख पाया and exam भी था, सब एक साथ इतना सब कुछ हो रहा था ना, तो मुझे give up करना पड़ा. बट नो प्रॉब्लम, ये एक बार मेरा रूम सेट हो जाए, मेरा एग्जाम हो जाए, उसके बाद मैं ज़रूर ये कंप्लीट करूँगी. सो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो मेरा रूम अभी एकदम मैसी पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है, एकदम खाली है. मेरा बेड वाइट बेड कर दिया, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या किया अपने रूम पर. अभी तो फिलहाल जस्ट मैंने धो लिया है रूम को, यानी कि सफाई कर ली है, और ज़्यादा इतना अच्छे से सफाई नहीं हुई है, नॉर्मल सफाई हुई है अभी. सो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं अपना बेड किस साइड लगाऊँ, कौन सी साइड लगाऊँ. मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी, मुझे जिस तरह रखा हुआ था वैसे नहीं रखना है, मेरे को चेंज करना है. तो मैं देखती हूँ, एक तो ये टेबल है ना काफ़ी ह्यूज है, ये डाइनिंग टेबल है एक्चुअली, एंड स्टडी टेबल है नहीं मेरे पास, एंड मैं सोच रही थी नया ले लूँ, बट अभी इतने पैसे हैं नहीं फालतू खर्चा करने के लिए, सो दैट्स व्हाई अभी लिया नहीं है, लेंगे. बट अभी मेरे को इसी के साथ काम चलाना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको हटा नहीं सकती, मेरा बहुत सारा सामान इसमें पड़े रहते हैं, बुक्स वगैरह, एंड ऊपर से अलमीरा नहीं है यहाँ पर, तो मेरे को इसी के अंदर इसी के ऊपर सब कुछ एडजस्ट करके रखना पड़ता है. सो इसकी वजह से मैं रूम काफ़ी मतलब मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ उसकी वजह से कि मैं क्या करूँ, कहाँ रखूँ उसको, कैसे रखूँ, समझ में नहीं आ रहा है. बट लेट्स सी. सो मुझे कर्टन भी लेना है, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया लेना है कि नहीं लेना है, तो शो अभी लेते हैं कि नहीं. तो ये वीडियो दो पार्ट में जाएगी. फर्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने साफ़ सफाई मतलब पेंट वेंट थोड़ा ये सब मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे क्या किया है. सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी डेकोरेशन, मैंने क्या रख के डेकोरेशन किया एंड अपना रूम टूर दिखाऊंगी. या आई एम जस्ट एक्साइटेड. तो या मैंने थीम मेरी वाइट ही रहेगी, मुझे वाइट ही काफ़ी पसंद आ रहा था. मैं सोच रही थोड़ा डिफरेंट कलर करूँ, मैंने कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी देख रहे हो, इसको मेरे को हटाना नहीं था क्योंकि मैंने खुद से मैंने बनाया, मैंने गैस जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तब मैंने ये बनाया था. सो काफ़ी मेहनत लगी है, एक साल हो चुका है शायद इसको, एक या दो साल हो चुका है, आई डोंट नो, उनको खुद याद नहीं आ रहा. तो मैं इसको हटाना नहीं चाहती थी, अभी इसको ऐसे ही रहने दो, वॉल पेपर भी नहीं हटा रही क्योंकि इसी के ऊपर से मैं स्पीकर लगाऊंगी. टेलीफोन मेकओवर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप नए होते प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर दो प्लीज, एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना एंड कमेंट करके भी जाना, कुछ भी हो ब्ला ब्ला बट कर देना. ओके लेट्स गेट स्टार्टेड. ओह माय गॉड, बॉल पूरी बर्बाद हो गई यार, अभी निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब टेप एकदम स्टिक हो गया ना. गंदा रूम लग रहा है, वो वाला
दूसरा कमरा है, ये कभी खोलते नहीं हम लोग, ऐसे ही रखा रहता है। फिर इसको भी पेंट कर देंगे, बहुत गंदा लग रहा है। माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस इज माय रूम। सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे। बाहर निकाल कर रखते हो। व्हाइट कलर अपने पोतने वाले एक्सपीरियर बाहर का है, तो अंदर पोतेंगे इसको। ओके, सो इट्स डन, पेंट इज डन। ये नहीं किया मैंने, ये करूँगी भी नहीं। ये ऐसी रहेगा, वॉल्स की तरह। इसके ऊपर मैं डेकोरेट करूँगी, बाद में आपको दिखाऊंगी। एंड यहाँ तो हमारा पेंट कंप्लीट हो गया। नाउ उसकी बारी है बेड। तो गाइस, फाइनली मैंने रूम धो दिया है पेंट होने के बाद। बहुत मेहनत लगती है यार, बहुत ज़्यादा लगती है। बेड तो मुझे अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से, बट कोई प्रॉब्लम आ रही है ये टेबल कहाँ रखूँ तो समझ में आ रहा है। एंड मेरा रूम कितना मैसी दिख रहा है, सारा सब कुछ मैंने ऐसे पटक दिया। यू कैन सी, ओ माय गॉड। इस रूम में अलमीरा ना होने की वजह से इस रूम की हालत इतनी बुरी। कचड़ा, गाड़ी वाला आया कचड़ा। सॉरी यार, मेरी आवाज देखो, ओह माय गॉड। और मुझे बहुत आलस आ रहा है ये सब सेट करने में, यू नो
गाइस, तो आज तीसरा दिन है मेरा रूम सेट करने का। एक दिन पेंट हो गया, कल तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बस थोड़ा सा बाहर अंदर रख दिया और सब ऐसा मैट्रिक पड़ा हुआ लेकिन फिर मैंने आपको दिखाया ना। आज कल मेरा एग्जाम है फिर, एंड मैं मेरा रूम ऐसे ही पड़ा हुआ तो मैं थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, फिर मेरा और टाइम लगेगा मेरे को रूम सेट करने में। तो लेट्स सी आज क्या करती हूँ मैं। पहले अपने फर्नीचर वगैरह जमा लेती हूँ, उसके बाद आगे का सोचती हूँ। इग्नोर माई फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है। बैठने का बहुत अच्छा वो बन जाएगा, ओके गाइस। सो अब क्लीन करने के बारी है, इधर सारा स्टफ रखा हुआ है एंड इधर उधर भी पड़े हुए काफ़ी सारे। सो मैं अपनी सबसे पहले जो भी यूजलेस थिंक है उसको मैं रिमूव करना चाहूँगी, हटाना चाहूँगी। वह बहुत सारे कुछ अनसंट फालतू चीज़ें रखी जिसका कोई काम नहीं होगा। तो सबसे पहले वही करते हैं, क्लीन करते हैं, यूजलेस थिंक हटाते हैं एंड बाद भी थोड़ा ऑर्गेनाइज करेंगे अच्छे से। सो यार किसको मजा आता है ये कॉमल खोलने में, बहुत मजा आता है।